आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। हन हनुमते नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। विघ्नहर्ताय नमः। विघ्नहर्ता का हनुमान जी का नाम लीजिए आज, साथ में राम जी का जरूर लीजिएगा ताकि हनुमान जी प्रसन्न होते रहें। मैंने कुछ दिन पहले ही ये बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब हनुमान जी के पास जाएं आप बात करने के लिए, उनको अपनी तकलीफ़ें बताने, उनकी आराधना करने, तो ये अवश्य कहिए राम राम हनुमान जी, सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज 16 जुलाई 2024 चंद्रमा तुला राशि में शाम 7:50 तक, उसके बाद वृश्चिक राशि में। नक्षत्र है विशाखा, गुरु का देर रात्रि तक। आज सूर्य कर्क राशि में 11:18 पर प्रवेश कर जाएंगे। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मंगल महाराज जो वृषभ राशि में प्रवेश कर गए थे उनका ऑल ओवर असर क्या हो रहा है सभी राशि वालों पर। मेष राशि, मंगल महाराज वृषभ राशि में जाने के बाद याद रखें आपके कुछ काम ऐसे जो पढ़ाई विद्या से थे या आपके नौकरी से रिलेटेड थे वो भी बनेंगे, और साथ में आपके कुछ काम ऐसे बनेंगे जिसमें आपका भाग्य नसीब बनता है। आगे बढ़िए, अपना काम ग्रैब कीजिए। वृषभ राशि, मंगल के लग्न में आने से आपके कई काम आप जो चाहते थे घर परिवार से रिलेटेड, रेनोवेशन से रिलेटेड, माता की तबीयत से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड बने, लेकिन गुस्सा नहीं करना है नहीं तो परेशानी होगी। मिथुन राशि, यात्रा पर निकलेंगे तो खूब फायदा होगा, उत्साह बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, और साथ साथ ये भी याद रखें कि विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश ना करें तो वो आपके साथ मिलकर व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए विरोधियों का जो है दमन होगा, साथ साथ में आप धन पा सकेंगे, संचित धन बना सकेंगे और कुछ ऐसे काम कर पाएंगे जिसमें आपको कुछ धन आया है पैतृक संपत्ति से और वो आपने फ्रीज कर दिया, परिवार वाले इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, उन पर गुस्सा नहीं करना है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए अब लग्न पर मंगल की दृष्टि आपको उत्साही पराक्रमी साहसी बनाती है, आपके कई सारे काम इसी वजह से बन जाते हैं और मानसिक रूप से भी आप एकदम सुदृढ़ रहेंगे, बच्चे भी आप भी और मिलके काम करेंगे, व्यवसाय और साथ में नौकरी से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए घर परिवार में रेनोवेशन वगैरह हो सकती है, माता पक्ष का सहयोग मिल सकता है, वहीं पर विदेश रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, नौकरी से रिलेटेड कोई अन्य कारोबार है तो वो, लेकिन खर्चे हो सकते हैं उन पर और गुस्सा ना करें तो घर के हालात ठीक रहेंगे। तुला राशि, मंगल महाराज पैसा लाएंगे आपके लिए, केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में आप आगे बढ़ के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कई सारे काम करेंगे, पिता से सहयोग, बड़े भाई बहनों से सहयोग, वहीं पर यात्रा पर निकलेंगे तो आपको फायदा होगा, उत्साह पराक्रम खूब बड़ा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके कई सारे काम पैसों से रिलेटेड बनाने आ गए मंगल, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पिता से रिलेटेड भी काम बनेंगे कई सारे काम, आप नौकरी से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, अगर नौकरी पाना चाहते हैं तब भी वो काम बन सकते हैं। धनु राशि, आपके लिए भाग्य को उजागर करता है मंगल और कई सारे काम बना देता है, आपके नौकरी से रिलेटेड यात्राओं में लाभ हो सकता है, वहीं पर आपके लग्न पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी और इस कारण आपका स्वभाव क्रोधी हो सकता है। मकर राशि, आपके लिए कई सारे काम विदेश रिलेटेड बनाता है मंगल, एट द सेम टाइम आपको गुस्सेबाज झगड़ालू भी बनाता है, लेकिन आपकी हेल्थ भी सुधारता है इसलिए ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी है तो इलाज करवा लीजिए, व्यवसाय भी बढ़ सकता है आपका। कुंभ राशि, धन आने की संपूर्ण योजनाएं बनती हैं मंगल की कृपा से, वहीं पर आपके कई सारे ऐसे काम जो विवाहित जीवन के जोड़े के साथ मिलकर करने थे, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ करने थे वो भी होंगे, आपके कई सारे काम पार्टनरशिप से लेकर आगे व्यवसाय बढ़ाने तक, नेक नामी होने तक भी हो सकते हैं,
बस उन पर क्रोध ना निकालें। मीन राशि, आपके लिए कई सारे काम बनाने के लिए आपके कार्यस्थल पर आ गए मंगल महाराज वृषभ में और साथ साथ आपके शत्रुघ्नता योग बनाते हैं। चुप रहेंगे लोग आपको तकलीफ दे ना पाएंगे। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार आप बना सकते हैं, पैसों से रिलेटेड लोन्स वगैरह पा सकते हैं, दे सकते हैं, चुका सकते हैं। मंगल के उपायों में ये एक उपाय बड़ा ही अलग थलग सा माना जाता है कि आप जो हैं किसी भी बैल को, ऑक्स को जो है वो गुड़ खिलाया करें। अब ये आपको बैल मिले ना मिले, आप विदेशों में हैं या आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़ी पॉश कॉलोनी है और आपको ये उपाय आप नहीं कर सकते, तो आप एक काम किया कीजिए, आप गणेश जी के और हनुमान जी के मंदिर जाया कीजिए, गणेश जी को और हनुमान जी को नारियल चढ़ा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिन को शुभ बनाने के लिए अपने मन को अभी शांत कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए 10 मिनट 15 मिनट।